गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग दैट इज एट का जो फर्स्ट जो टॉपिक है रैशनल नंबर्स उससे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जो हमें पता रहना चाहिए उससे स्टार्ट करके हम लोग थोड़े रैशनल नंबर्स के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज क्या एडिशन, एंड दूसरा क्या दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या दैट इज इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करने के कुछ रूल, देखो ये रूल्स आपको मेन याद रखना है, क्योंकि अगर आपने ये रूल्स अच्छे से याद रखा तो आपको क्या होगा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रूल्स जहां पे याद रखना वो याद रखना। मैथ्स में रटने वाला पार्ट इज जस्ट वो रूल्स जो है वो आप जस्ट ध्यान में रखना, क्योंकि ये रूल्स आपका मैथ्स का बेसिक्स होता है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग नंबर्स को क्लासिफाई करते दो टाइप में। एक रहता है दैट इज सेम टाइप के नंबर्स, एंड जो सेकंड रहता है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट टाइप के नंबर्स। अब ये है क्या ये कॉन्सेप्ट, तो गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। तो लेट्स से यहाँ पे -3 -7 -3 7 3 और यहाँ पे है 7, और यहाँ पे हम लोग लास्ट में देखते हैं दैट इज 3 एंड यहाँ पे इट इज -7। फाइन, तो ये जो पहले दो नंबर्स है अगर आप नोटिस कर सकते हो दोनों नेगेटिव नंबर्स है, दोनों नेगेटिव नंबर्स है, तो ये क्या हो गया सेम टाइप के नंबर्स हो गए, क्योंकि दोनों नेगेटिव है करके। ये नंबर नेगेटिव हुआ, ये नंबर पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है डिफरेंट। इस केस में दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स रहेगा तो दोनों क्या रहेगा सेम। इस केस में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों कैसे टाइप के नंबर्स हुए डिफरेंट। ओके, तो आई होप ये पहला पार्ट आपको क्लियर है। अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, खुद से जरा ट्राई करना साइड में लिखने के लिए। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। पहला वाला जो है ये कैसे टाइप का नंबर है सेम, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। दूसरा भी सेम है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तीसरा क्या है डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। और लास्ट वाला भी क्या डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आई होप पहला पार्ट क्लियर है। तो अगर नंबर्स रहेगा सेम टाइप का तो आपको क्या करना है ऐड करना उन दोनों नंबर्स को। अगर नंबर्स डिफरेंट रहेगा तो आप दोनों नंबर्स को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे। क्वाइट इजी टू रिमेम्बर, सेम टाइप के नंबर्स रहेंगे तो ऐड करना है, डिफरेंट टाइप के नंबर्स रहेगा तो आपको क्या करना है दैट इज सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब आते दैट इज साइन कैसे डालते। तो ये साइन का मेन पार्ट हम लोग ध्यान रखते, और इसको कुछ टेंशन नहीं याद करने। ऑलवेज पुट साइन ऑफ बिगर नंबर, बस ये आपको ध्यान में रखना है। इसका क्या मतलब है, तो लेट से अगर मेरे पास इधर है -3 और एक -7, अब किसका साइन डालो इसमें, देखो कौन बड़ा है 7, उसका साइन क्या है माइनस। लेट से आपके पास 8 और क्या है -5, कौन बड़ा है यहाँ पे 8, उसका साइन क्या है प्लस। लेट से आपके पास यहाँ पे -3 +8 है, कौन बड़ा है 8, उसका साइन क्या है प्लस। लेट से आपके यहाँ पे -7 +5, कौन बड़ा है 7, उसका साइन क्या है माइनस। तो आई होप ये दोनों रूल्स आपको क्लियर है। अब मैं आपको कुछ सम्स देता हूं, उसमें आपको क्या करना है आंसर करना है। ठीक है, हम लोग यही रूल्स को यूज करेंगे। पहले आपको सेम और डिफरेंट टाइप के नंबर्स क्या है वो पता रहना चाहिए, एंड ऑलवेज पुट साइन ऑफ बिगर नंबर। जस्ट ये साइन ऑफ बिगर नंबर से रिलेटेड कुछ पांच एग्जाम्पल कराता हूँ, एंड देन हम लोग प्रॉपर जो सॉल्विंग है उस पे आते हैं। लेट्स से आपको ट्राई करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट आपको इधर साइन डालना है बस। आई होप आपने किया रहेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है 7, उसका साइन क्या आएगा माइनस। इन दोनों में बड़ा कौन है 3, उसका साइन क्या आएगा माइनस। इन दोनों में बड़ा कौन है 8,
उसका साइन क्या होगा? माइनस। इन दोनों बड़ा कौन है? एट, उसका साइन क्या आएगा? प्लस। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। ओके अब जाते थोड़ा सा और आगे। अब आते दैट इज एग्जैक्ट सम्स को कैसे करते। तो लेट से हमने जो एग्जाम्पल्स लिया उसको जरा लिख के रखते एंड इसको सॉल्व करते। फिर यहाँ पे -5 -7 ओके। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमेशा पहले चेक क्या करना है, नंबर्स कैसे टाइप के। तो क्लियरली दिख रहा है दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, सेम सेम रहेगा तो आप क्या करोगे ऐड। यहाँ पे दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। 8 -3 होता है 5। यहाँ पे कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। ओके इसमें दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, सेम सेम रहेगा तो आप क्या करोगे ऐड। यहाँ पे कैसे टाइप के नंबर्स है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे कैसे टाइप के नंबर्स है, सेम सेम रहेगा तो आप करोगे ऐड। यहाँ पे कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। ओके अब बात करते साइन का। ओके साइन हमेशा किसका दिया जाता है, बिगर नंबर का। तो 7 और 3 में कौन बड़ा है, 7, तो साइन क्या होगा माइनस। 8 और 5 में कौन बड़ा है, 8 प्लस 8, तो आपको साइन क्या होगा प्लस। -3 और +8 में कौन बड़ा है, +8, तो साइन क्या होगा प्लस। -7 और 5 में कौन बड़ा है, -7, साइन क्या होगा माइनस। वैसे -5 और -7 में कौन बड़ा है, -7, साइन क्या होगा माइनस। -3 और 2 में कौन बड़ा है, 3, उसका साइन क्या होगा माइनस। 5 और 8 में कौन बड़ा है, 8, उसका साइन क्या है माइनस। -3 और +8 में कौन बड़ा है, 8, उसका साइन क्या है प्लस। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। अगर आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप जरा ट्राई कर लेना, फाइन। तो आप ये कैसे करते हैं, जस्ट आप खुद से जरा ट्राई करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। आई होप जरा आपने किया रहेगा वीडियो को पॉज और खुद से ट्राई किया होगा। सबसे पहले चेक करना दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, सेम सेम रहेगा तो आप क्या करोगे ऐड, एंड बड़े नंबर का साइन क्या आएगा माइनस। 7 बड़ा है उसका साइन डालेंगे। -5 और 8 दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, एंड बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या आएगा प्लस। -9 और -3 दोनों कैसे टाइप के नंबर है, सेम सेम रहेगा तो क्या होगा ऐड, एंड बड़े नंबर का साइन क्या होगा माइनस। -4 और +7 दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट करना है, एंड कौन बड़ा है 7, उसका साइन क्या होगा प्लस। 6 और -3 में कौन बड़ा है, 6, दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट, एंड बड़े नंबर का साइन क्या डालना है प्लस। 4 और 7 कैसे टाइप के नंबर्स है, दोनों सेम है दोनों पॉजिटिव नंबर्स है तो क्या करना है ऐड, एंड यहाँ पे क्या आएगा बड़े नंबर का साइन डालना है प्लस। -2 और -9 में कौन बड़ा है, दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, दोनों नेगेटिव नंबर्स है तो क्या करेंगे ऐड, बड़ा कौन है 9, उसका साइन क्या होगा माइनस। 8 और -3 में कौन बड़ा है, देख एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ऑफकोर्स क्या करना है सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर का साइन क्या होगा प्लस। 4 और -3 में कौन बड़ा है, 4, उसका साइन क्या होगा प्लस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 8 और -11 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बड़े नंबर का सॉरी डिफरेंट नंबर से तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 11 बड़ा है तो उसका साइन क्या होगा माइनस। यहाँ पे +2 -9 डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, सो सब्ट्रैक्ट, कौन बड़ा है 9, उसका साइन क्या है माइनस। यहाँ पे -8 -3 सेम टाइप के नंबर्स है तो क्या होगा ऐड, बड़े नंबर का साइन क्या होगा माइनस। यहाँ पे -8 -7 दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, सेम सेम रहेगा तो क्या करेंगे ऐड, बड़ा कौन है 8, उसका साइन क्या होगा माइनस। -3 -6 बड़ा कौन है, या सॉरी दोनों कैसे टाइप के नंबर है, सेम ऐड होके कितना होगा 9, बड़े नंबर का साइन इज माइनस। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, +4 -4 डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट, बड़ा कौन है इसमें 8, साइन क्या होगा माइनस। -4 +9 कैसे टाइप के नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट,
बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। -1 -3 कैसे टाइप के नंबर है, सेम सेम रहेगा तो क्या होगा ऐड, बड़े नंबर का साइन क्या होगा माइनस। -6 +9 कैसे टाइप के नंबर्स है, दैट इज डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट, बड़ा कौन है 9, उसका साइन क्या होगा प्लस। 2 और -8 कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस। 4 और 3, पॉजिटिव 4 और -3 दोनों कैसे टाइप के नंबर है, डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, बड़ा कौन है 4, उसका साइन क्या होगा प्लस। प्लस का साइन अगर आपने आंसर में डाला नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि यूजुअली हम लोग आंसर्स में प्लस साइन को यूजुअली डिनोट नहीं करते। ओके अब बात करते हैं, दैट इज एक और एक टॉपिक जो ऐड सब्ट्रैक्ट में आता है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो भी हमने इसके पहले के क्वेश्चंस किए थे वो सब क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड था। लेकिन अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया जैसे कि -3 -7 या -7 -3 या इधर आ गया -3 -7 या इधर आ गया -8 माइनस ऑफ या सॉरी प्लस ऑफ यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज +3। ओके अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अभी प्रॉब्लम क्या है कि दो साइंस आप नोटिस कर सकते, देखो बाजू बाजू में आ रहा है, और इसको देख के बहुत जन क्या करते हैं, डर जाते हैं, मतलब क्या करना है उनको आइडिया नहीं रहता है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना। अगर ऑड नंबर में नेगेटिव साइंस रहेगा तो आप कौन सा साइन सीधा सीधा डालोगे माइनस, और अगर क्या रहेगा इवन नंबर में नेगेटिव साइंस रहेगा तो आप क्या डालोगे प्लस। इसका मतलब क्या है, आपको ऐसे देखा एक नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव साइन है, तीन नेगेटिव साइन है, पांच नेगेटिव साइन है, सात नेगेटिव साइन है, नौ नेगेटिव साइन है, तो आप सीधा सीधा कौन सा साइन डालोगे आप माइनस। वैसे आपको देखा एक भी नेगेटिव साइन नहीं है, दो नेगेटिव साइन है, चार है, छह है, आठ नेगेटिव साइंस है, तो आप सीधा सीधा कौन सा साइन डालोगे प्लस। अब ऐसे टाइप के सम्स में ये सिर्फ आप ये लॉजिक याद रखो, ये मैंने जैसे बोला कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है, ये वो रूल है। अब ध्यान देना, जैसे कि आपको प्लस और माइनस बाजू में दिखा, आप ये रूल कैसे यूज करोगे, कितना नेगेटिव साइंस है, एक एक ऑड नंबर है तो साइन क्या सीधा डालोगे माइनस। आपको दिखा माइनस माइनस, कितने नेगेटिव साइंस है, दो, दो इवन नंबर है तो यहाँ पे कौन सा साइन डालोगे प्लस। आपको दिखा माइनस प्लस तो यहाँ पे कितने नेगेटिव साइंस है, एक, तो साइन क्या होगा माइनस। आपको दिखा प्लस प्लस, कितने नेगेटिव साइंस है, जीरो, जीरो इज अ इवन नंबर तो साइन क्या होगा प्लस। ये चीज का बस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, नथिंग एल्स। अब देखना इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, -3 क्या है बीच में, प्लस माइनस कितना नेगेटिव साइन है, एक, तो साइन क्या होगा माइनस। -7 कितने नेगेटिव साइन है, दो, तो यहाँ पे आएगा +3। नेक्स्ट -3 कितने नेगेटिव साइन है, एक, तो साइन क्या होगा माइनस। यहाँ पे कितने नेगेटिव साइन है, जीरो, तो साइन क्या होगा दैट इज प्लस। ठीक है अब आगे, अब यहाँ पे क्या करना है, तो इधर आप नोटिस कर सकते हो कितने नेगेटिव साइंस है, दो, दो नेगेटिव साइंस रहेगा तो आपको, ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, कैसे टाइप के नंबर है दोनों नेगेटिव तो सेम है तो क्या होगा ऐड, बड़ा कौन है इनमें माइनस। ये अपना नॉर्मल सम जैसा हो जाता है, जस्ट ये याद रखना हमें कन्वर्ट किस में करना रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जस्ट कभी आपको दो साइन बाजू बाजू में दिख गया, आप उसको जो लॉजिक बताया वो यूज करके नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करो। अब जैसे कि इधर एक -7 है और एक +3 है, डिफरेंट टाइप के नंबर है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, बड़ा कौन है 7, उसका साइन क्या होगा माइनस। यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है, दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, नेगेटिव, सेम टाइप के नंबर्स है तो क्या होगा ऐड, बड़ा कौन है यहाँ पे 7 तो साइन क्या होगा माइनस। दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, नेगेटिव और क्या है पॉजिटिव, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो क्या होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो जस्ट वीडियो को पॉज करके आप जरा ये क्वेश्चन जरा ट्राई कर सकते हो, पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन जैसे हमने पहले किया था वो सॉल्व करना, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके स्टार्ट किया होगा, तो
यहाँ पे आएगा -7, कितने नेगेटिव साइंस है, दो आएगा इधर, कौन सा प्लस। वैसे नीचे केस में -8, कितने नेगेटिव साइंस है, एक, तो साइन क्या होगा माइनस। यहाँ पे 9, कितने नेगेटिव साइंस है, एक, तो साइन क्या होगा माइनस। 4, यहाँ पे कितने नेगेटिव साइंस है, एक भी नेगेटिव साइन नहीं, तो साइन क्या होगा प्लस। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर है। अब इसको नॉर्मल जैसे सम सॉल्व करते, वैसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, बड़ा कौन है 7, तो साइन क्या होगा माइनस। यहाँ पे दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा एड, बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या होगा सबट्रैक्ट, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है प्लस। यहाँ पे दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव एड, ओके, यहाँ पे क्या होगा प्लस। ओके नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे, दैट इज रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में साइंस कैसे डालते हैं, जो हमने ऊपर का जो रूल यूज किया ना, वो एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन के रूल्स थे। तो वो रूल क्या था, ऑड नंबर में नेगेटिव साइंस रहेगा तो आपको जो साइन डालोगे माइनस, वैसे इवन नंबर में नेगेटिव साइंस प्रेजेंट रहेगा तो आपको जो साइन डालोगे प्लस। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो ध्यान देना, लेट्स से गेस -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू यहाँ पे -5 इंटू इधर क्या है -1। अब साइन कैसे डालते, कितने नेगेटिव साइंस हो गए ना, कितने नेगेटिव साइंस है 5, तो साइन क्या होगा माइनस। 2 3 6, 6 4 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया 120। वैसे लेट्स इधर -2 इंटू 3 इंटू -4 इंटू 5 इक्वल्स टू, बोला कितने नेगेटिव साइन है यहाँ पे, दो, तो साइन क्या आएगा प्लस। आंसर कितना रहेगा 120 रहेगा। वेरी सेम, -2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू यहाँ पे क्या है 5, कितने नेगेटिव साइन है, एक, तो साइन क्या होगा माइनस। आंसर क्या रहेगा, सेम वही रहने वाला, कितना 120। लेट से यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कितने नेगेटिव साइन है, जीरो, जीरो कैसे टाइप का नंबर है, इवन, तो साइन क्या होगा यहाँ पे प्लस, और ये कितना होगा दैट इज 120। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो वैसे अगर आपको कोई बोलता है -7 का स्क्वायर या -7 का क्यूब, या ऐसे बोला गया है -1 raised to 101, तो ऐसे टाइप के अगर लेट से आपको क्वेश्चंस आते भी एग्जाम में, तो इट इज वेरी सिंपल, नेगेटिव रेस टू टू, टू इज क्या इवन नंबर, तो साइन क्या होगा प्लस, 7 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 49। नेगेटिव कितने बार आ रहा है, 3 बार, तो साइन क्या होगा माइनस। 7 का क्यूब कितना दैट इज 343। नेगेटिव रेस टू 101 कितने बार आ रहा है, 101 टाइम्स आ रहा है, तो साइन क्या होगा माइनस, 1 raised to anything कितना होगा दैट इज 1। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। वैसे लेट से आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई कर सकते। ओके ये जरा खुद से ट्राई करना, पॉज करके वीडियो को, ठीक, आई होप आपने किया रहेगा। माइनस रेस टू कितना है, 2 बार, तो माइनस कितने बार आ रहा है, 2 बार हो रहा है, तो साइन कौन सा आएगा प्लस। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई माइनस ही नहीं, तो ऑफकोर्स इधर कोई नेगेटिव तो आने ही नहीं वाला है, तो क्या आएगा 64। नेगेटिव रेस टू कितना है, 3, 3 बार नेगेटिव साइन, तो साइन क्या होगा माइनस। 8 का क्यूब कितना होगा 512। माइनस रेस टू 5 कितने बार आ रहा है, 5 बार। 2 raised to 5 कैसे करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो 2 जा कितना है 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। वैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना दैट इज 25। यहाँ पे नेगेटिव रेस टू क्या है, 3, साइन क्या होगा माइनस। 5 का क्यूब कितना दैट इज 125। ठीक है, तो आपको यहां से एक कंक्लूजन मिल गया। क्या कंक्लूजन है, कि स्क्वायर्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्यूब्स जो है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव और क्या हो सकता है, नेगेटिव, दोनों हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में यहां पे देता हूं, आप -7 का स्क्वायर करो या आप
7 का भी स्क्वायर करो, दोनों से आंसर कितना होगा, दैट इज 49 होगा। लेकिन आप यहाँ पे -7 का क्यूब करोगे तो आंसर आएगा -343। और अगर आपने क्या किया, 7 का क्यूब किया तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 343 आएगा, 3 4। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है आपको अच्छे से। हो जाते कुछ और थोड़ा सा बेसिक्स पे, दैट इज रिलेटेड टू क्या है, फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शंस मेजरली क्या है, टू टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस है, दैट इज क्या है, जो फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है, एड या क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। एंड दूसरा जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, दैट इज टाइप टू, इसमें क्या होता है, दैट इज मल्टीप्लाई। मेन मल्टीप्लाई वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, तो लेट्स से हमारे पास फ्रैक्शन है ए अपॉन बी प्लस एच से सी अपॉन डी ए। तो एड सब्ट्रैक्ट, या लेट्स से एक और एक फ्रैक्शन है ए अपॉन बी माइनस क्या है, सी अपॉन डी। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन जिसमें क्या हो रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका है, ए को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, डी से, प्लस सी को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, और नीचे क्या आएगा, बी इंटू क्या होगा, डी। वैसे सेम यहाँ पे भी ए को किसे मल्टीप्लाई करना है, डी से, बीच में साइन क्या आएगा, माइनस, सी को किसे मल्टीप्लाई करते हैं, बी से, और नीचे क्या आएगा, बी को किसे करना है, डी से, ताकि डिनोमिनेटर क्या हो, कॉमन हो। ये तो हो गया टाइप वन, जिसमें डिनोमिनेटर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। अब इन केस लेट्स से हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो लेट्स से यहाँ पे क्या है ए अपॉन बी प्लस यहाँ पे क्या है सी अपॉन बी, या दूसरा एक इक्वेशन है ए अपॉन बी माइनस क्या है सी अपॉन बी। ओके, क्या नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे पिछले केस में डिनोमिनेटर्स बी और डी था, जैसे इस केस में आप देख सकते हो बी और क्या था, डी प्रेजेंट था, वैसे इस केस में यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे डिनोमिनेटर दोनों में क्या सेम है, बी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ ए और सी को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में क्या लिख डालना है, बी। वैसे दूसरे केस में क्या आएगा, ए माइनस सी आएगा और डिनोमिनेटर में क्या लिख डालोगे, बी लिख डालोगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं एंड देन हम लोग मल्टीप्लाई वाले पार्ट में। तो लेट से हमारे पास 1/3 प्लस 4/ क्या है, 7। इस केस में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 7 से, 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, और नीचे 3 7 जा कितना होगा, 21। ये बन जाएगा 19/ क्या हो गया, 21। वैसे लेट से यहाँ पे क्या है, 4/5 -3/ यहाँ पे क्या है, 6। तो इधर होगा क्या, 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 6 से, बीच में साइन क्या आएगा, माइनस, 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, और नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा 5 मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो ये जो पार्ट है ये बन जाएगा 24 -15/ नीचे क्या होगा, 30, विच इज यहाँ पे कितना आ रहा है, 9/ क्या हो रहा है, 30। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट लेट से यहाँ पे 4/ यहाँ पे क्या है, 6 प्लस 2/ क्या है यहाँ पे, 6। अब इस केस में जरा ध्यान देना, बस डिनोमिनेटर सेम है तो आपको बस न्यूमरेटर्स को क्या करना है, ऐड, और डिनोमिनेटर में बस क्या आएगा, 6। तो ये बन जाएगा 6/6। वैसे लेट से 4/7 -9/ यहाँ पे क्या है, 7। तो इस केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, 7, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों कॉमन है, ऊपर आएगा 4 -9। दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, एंड बड़ा इसमें कौन है, 9, तो उसका साइन क्या आएगा, माइनस। तो ये जस्ट एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, दैट इज एड सब्ट्रैक्ट वाला। ओके, इन केस मल्टीप्लाई रहेगा, लेट से ए अपॉन बी इंटू यहाँ पे दिया सी अपॉन डी। तो मल्टीप्लाई वाला क्वाइट इजी है, ए किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, बी मल्टीप्लाई होगा किससे, डी से। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ करते,
लेट्स से यहाँ पे 2/3 इंटू 5/ क्या है 7, क्वाइट इजी है। ऊपर को ऊपर के साथ नीचे को नीचे का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 का कितना होगा 10, 3 7 का कितना होगा 21। वैसे 4/5 इंटू 3/ यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे ऊपर को ऊपर का मल्टीप्लाई करना है नीचे को नीचे के साथ, तो इधर कितना आएगा 12, 5 7 का कितना हो जाएगा दैट इज 35। आई होप ये आइडिया आपको क्लियर है। जस्ट एक छोटा सा एक पार्ट बताना है वो जस्ट ध्यान देना। ओके अब ये पार्ट क्या है, तो जैसे कैंसिलेशन, ओके कैंसिलेशन ध्यान देना, आप किसको हमेशा करते हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों को आपको हमेशा क्या करना रहता है, कैंसिल करना रहता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कैंसिल कर सकते हो। ध्यान देना, एड सब्ट्रैक्ट में कैंसिल आप कब करोगे, फाइनल स्टेप में, और मल्टीप्लाई में कैंसिल आप कौन से स्टेप में कर सकते हो, यू कैन डू इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है, तो लेट से यहाँ पे हम लोग को दिया गया, ओके तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे लेट से 2/3 माइनस 7/ क्या दिया गया 9, इधर हम लोग 6 लेते 2/6, ओके तो यहाँ पे हमने किया 2 9 का कितना होता है 18, फिर माइनस 7 6 का कितना होगा 42, 6 9 का कितना है 54। अब ध्यान देना, कैंसिलेशन इधर अलाउड नहीं, ये फाइनल स्टेप नहीं है, ये एड सब्ट्रैक्ट वाला है, तो इधर ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते, जैसे कि अरे चलो ये दोनों 9 के टेबल में है तो ये 9 2 जा और ये 9 6 जा, ऐसे कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। तो कैंसिल आप कब कर सकते हो वही आपको मैं सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे लेट से 18 माइनस, ऑफकोर्स बड़े नंबर का साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे होगा 24/ क्या होगा 54। दोनों कौन से टेबल में आते, 2 के टेबल में, तो अब ये कैंसिल कर सकते क्यों, क्योंकि अब ये फाइनल स्टेप है, अब इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी इसको कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना होगा 12/ यहाँ पे कितना होगा 27, इसको आगे और कट कर सकते हो 3 के टेबल में, यहाँ पे कितना होगा 4 और इधर कितना होगा दैट इज 9। वैसे एक और एग्जाम्पल, लेट्स से 2/5 माइनस 3/ सॉरी प्लस 3/ क्या दिया 10, यहाँ पे भी सेम 2 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यहाँ पे होगा 20, 3 को मल्टीप्लाई किसे करेंगे 5, तो ये होगा 15, 5 10 ये बन जाएगा 50। ओके अब इस केस में तो यहाँ पे क्या होगा 20 प्लस 15, तो ये बन जाएगा 35 और ये आएगा 50। अब जरा ध्यान देना, क्या यहाँ कैंसिलेशन अलाउड है क्या 5 के टेबल में, देखो इधर ऐसा 4 और इधर 10, कैसे हम लोग कट कर सकते क्या, तो यहाँ पे इसका आंसर है नहीं, ऐसे कैंसिलेशन अलाउड नहीं, क्यों, क्योंकि ये फाइनल स्टेप हमारा नहीं है, तो फाइनल स्टेप है का दैट इज ओवर हियर। यहाँ पे क्या होगा 5 के टेबल में कितना होगा 7, 5 के टेबल में यहाँ पे कितना होगा दैट इज 10। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है, ये कैसे इसको सॉल्व करना है ये आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कैंसिलेशन फाइनल स्टेप में क्या रहता है, अलाउड रहता है। वैसे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई के केस में, तो लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 7/3 इंटू यहाँ पे क्या दिया 4/ क्या दिया 7। अब शुरू करने के पहले आप इधर क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो, मैंने इधर लिख के दिया मल्टीप्लाई में आप कैंसिलेशन फर्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो, तो फाइनल आंसर यहाँ पे कितना होगा 4/3। वैसे लेट्स इधर दिया गया 2/5 इंटू यहाँ पे दिया 40/ यहाँ पे दिया 6, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा 5 1 जा 5 8 जा, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे कितना होगा 8/ क्या होगा 3। आई होप ये पार्ट आपको ढंग से आपके दिमाग में गया रहेगा, कैंसिलेशन मल्टीप्लाई में आप फर्स्ट स्टेप में कर सकते हो, कैंसिलेशन एड सब्ट्रैक्ट में आप फाइनल स्टेप में कर सकते हो। ओके एक और एक कॉमन गलती जो होता है, तो लेट से यहाँ पे दिया गया 2/3 इंटू 2/3
क्या ये कैंसिलेशन अलाउड है क्या, टू और टू को कट करना? नहीं, क्योंकि यहां पे हमने क्लियरली मेंशन किया है कैंसिलेशन अलाउड है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है? तो इधर जबरदस्ती न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कट मत करना। जैसे कि अगर लेट्स इधर 2/3 है इंटू इधर क्या दिया 3/2, हाँ इस केस में हो सकता है। 2 1 जा, यहाँ पे भी 2 1 जा, 3 1 जा, और यहाँ पे क्या होगा 3 1 जा। इधर आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो ये चीज का जरा सा ध्यान देना। ओके कुछ एग्जाम्पल्स आपके प्रैक्टिस के लिए, वीडियो को जरा पॉज करके खुद से जरा ट्राई करना। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके कुछ ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे देखना, इधर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू, एड सब्ट्रैक्ट वाला फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे 7 5 जा 35, 3 8 जा 24, 5 8 जा कितना होगा 40। कैसे टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव 35 नेगेटिव 24, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है, तो क्या होगा सप्रैक्ट अपॉन यहाँ पे कितना होगा 40। वैसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28 + 18, और नीचे आएगा 9 7 जा 63, एड क्या कितना हो रहा है 46 अपॉन नीचे हो रहा है 63। ओके कैसे टाइप का फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप में आप कैंसिल कर सकते हो 3 1 जा 3 2 जा, आप 3 और 9 को भी कैंसिल कर सकते हो, वो चॉइस आप पे है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 1 को किसे करना है 5 से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, 2 को किसे करना है 9 से, तो कितना आ रहा है 5 अपॉन 18। वैसे इस केस में मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है तो आप कैंसिल कर सकते हो 4 1 जा 4 2 जा, 1 × 3 कितना होगा 3, 2 × 2 कितना होगा 4। ओके नेक्स्ट केस में एड सब्ट्रैक्ट वाला फ्रैक्शन है तो क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, -28 होगा, क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है। 3 2 जा यहाँ पे कितना होगा 6, 3 7 जा यहाँ पे कितना होगा 21। कैसे टाइप के नंबर्स है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा कौन है 28, तो साइन क्या होगा माइनस। नेक्स्ट यहां पे 9 3 जा 27, 7 4 जा 28 अपॉन 7 9 जा 63। कैसे टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव और एक नंबर क्या है नेगेटिव, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है इसके लिए सब्ट्रैक्ट किया, और बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या रहेगा 20, तो साइन क्या डाला माइनस। ओके इस केस में यहाँ पे क्या होगा -5 × 5, जिनको समझ नहीं आ रहा है तो मैं स्टेप करके बताता हूं। यहाँ पे 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, और नीचे आएगा 3 5 जा, तो ये बन जाएगा -25 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 6 अपॉन इधर कितना हो गया 15। ओके अब यहाँ पे दोनों कैसे टाइप के नंबर्स है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या बन गए सेम सेम रहेगा, तो यहाँ पे होगा एड, बड़े नंबर का साइन इज 25, तो साइन क्या होगा माइनस अपॉन कितना होगा 15। नेक्स्ट इज 4 7 जा कितना होगा 28, 2 7 जा कितना है 14 अपॉन क्या है 7, लेकिन ये हमें करने का जरूरत था क्या, तो यहाँ पे नहीं, जरूरत नहीं था ये करने का, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी यहां पे सेम है, तो ये कितना होगा 4 - 2 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 7, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे कितना होगा 2 अपॉन क्या होगा 7। इनकेस आपने किया भी तो भी कुछ गलत नहीं है, तो जस्ट ध्यान देना 4 7 जा 28, 2 7 जा 14, और नीचे 7 7 जा कितना होगा 49, तो ये कितना आएगा फाइनल आंसर 14 अपॉन क्या होगा 49। कैंसिलेशन आप फाइनल स्टेप में कर सकते हो, 14 और 49 कौन से टेबल्स में आते हैं, 7 के टेबल्स में, तो यहाँ पे क्या होगा ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 2, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा 7, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, तो दोनों सेम ही आ रहा है आप देख भी सकते हो। चलो आगे आते, 8 3 जा कितना होगा 24, 2 5 जा कितना होगा 10, 5 3 जा कितना हो गया 15, तो यहाँ पे कितना होगा 14 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 15। नेक्स्ट -4 × 5 कितना नेगेटिव साइन है 1, तो साइन क्या होगा माइनस, -2 × 3 कितना होगा यहाँ पे 6 और अपॉन यहाँ पे कितना होगा 15, 3 5 जा,
ओके, कैसे टाइप के नंबर है, दोनों नेगेटिव है, तो ऐड होके कितना होगा 26, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या होगा माइनस, नेक्स्ट यहाँ पे एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस, 4 2 जा कितना हो गया 8, एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस, 9 3 जा कितना होगा 27, और नीचे 9 4 जा कितना हो गया 36। ओके, कैसे टाइप के नंबर है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो क्या होएगा ऐड, कितना हो गया ये 35 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 36, बड़े नंबर का साइन डालना तो 27। अब यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो इसका आंसर है नहीं, 4 और 8 को जबरदस्ती कट मत करना, कैंसिलेशन हमेशा न्यूमरेटर और सिर्फ डिनोमिनेटर का क्या है पॉसिबल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, 8 4 जा कितना है दैट इज 32, 9 3 जा कितना है दैट इज 27। ओके, अब इस केस में मल्टीप्लाई करना है, कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ यहाँ पे 2 1 जा और ये 2 4 जा, अभी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कितना नेगेटिव साइन है, एक, तो साइन क्या होगा माइनस, 1 into 9 क्या होगा 9, 11 into 4 क्या होगा 44। तो जस्ट वो रूल्स अच्छे से याद रखना, जो हमने स्टार्टिंग में जो इंटीजर्स वाला पार्ट किया है वो रूल्स सब जगह काम आता है, तो वो रूल्स को कभी भूलना मत। तो जब भी मैंने बोला था सेम साइंस रहेगा तो आप क्या करोगे ऐड करोगे, डिफरेंट टाइप के नंबर्स रहेंगे तो आप क्या करोगे सब्रैक्ट करोगे, वो ऐड सब्रैक्ट में करते, और साइन कैसे डालते, बड़े नंबर का साइन देख के आप प्लस या माइनस डालोगे, कौन बड़ा रहेगा उसका आपको साइन डालना है। मल्टीप्लाई में कैसे आप साइन डालते हो, बहुत ही इजी है, ऑड नंबर में नेगेटिव साइंस रहेगा तो आप क्या डालोगे माइनस, ऑड नंबर मतलब एक नेगेटिव, 3 नेगेटिव साइंस, 5 नेगेटिव साइंस रहेगा तो आप माइनस डालोगे। वैसे इवन नंबर में नेगेटिव साइंस रहेगा जैसे कि 0 नेगेटिव साइंस, 2 4 6, तभी आप कौन सा साइन डालोगे प्लस साइन डालोगे बस। और दो टाइप का हमने फ्रैक्शंस भी किया था, उसमें ध्यान देने वाला बात क्या था, कैंसिलेशन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमेशा करते हो, एड सब्ट्रैक्ट में कैंसिलेशन ऑफ फाइनल स्टेप में करते हो, दैट इज आंसर, सबसे लास्ट में जो आंसर आता है वहां पे करते हो, इसमें एड सब्ट्रैक्ट कहां पे किया जाता है दैट इज स्टार्टिंग के स्टेप में किया था, किसमें मल्टीप्लाई में। जस्ट एक लास्ट का एक छोटा टॉपिक दैट इज यहाँ पे क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ओके, अब ये मिक्स फ्रैक्शंस है क्या, तो लेट्स से आपको ऐसा कुछ नंबर है 1 1/2, 2 3/7, 4 3/5, 6 9/8, या फिर ऐसा आ गया -3 1/5 क्या हो गया 5। अब ऐसे टाइप क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको दो अप्रोच बताता हूं, लेकिन जो फर्स्ट वाला अप्रोच है आप वही फॉलो करो, क्योंकि अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आने का चांस बहुत कम होगा। तो ये अप्रोच क्या है, तब लिखेंगे कैसे इसको, इसको लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हाफ, 1 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा 2, 1 into 1 कितना होगा 1 अपॉन कितना आएगा 2 1 2, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 3 अपॉन क्या हो गया 2। वैसे यहाँ पे 2 प्लस इधर कितना होगा 3 अपॉन क्या होगा 7, करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, और नीचे 7 1 जा कितना होगा 7, तो ये कितना बन गया 17 अपॉन क्या हो गया 7। वैसे यहाँ पे 4 प्लस 3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 5, करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 जा कितना है 20, 3 1 जा कितना है 3, 5 1 जा कितना आएगा 5, तो ये कितना होगा 23 अपॉन क्या होगा 5। नेक्स्ट इज 6 प्लस 9 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 8, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 8 जा 48, 9 1 जा कितना आएगा 9, 8 1 जा कितना होगा 8, तो ये कितना आएगा दैट इज 57 अपॉन क्या होगा 8। लास्ट वाला क्वेश्चन, -3 प्लस इधर कितना आएगा 1 अपॉन क्या है 5, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 5 3 जा 15, प्लस इधर क्या आएगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 5, बड़े नंबर का साइन इज माइनस, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होके कितना होगा यहाँ पे 5। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जरा वीडियो को पॉज करके खुद से जरा ट्राई करना और आंसर वेरीफाई करने का ट्राई करना।
आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/7 क्या होगा, 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7, 1 1 1 अपॉन 7 1 कितना होगा, 7। तो ये बन जाएगा 8 अपॉन 7। नेक्स्ट इज 2 + यहाँ पे होगा 3 अपॉन क्या होगा, 5। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 5 जा कितना होगा, 10। 3 1 जा होगा 3, 5 1 जा कितना आएगा, 5। तो ये बन जाएगा 13 अपॉन क्या हो गया, 5। नेक्स्ट इज यहाँ पे 4 अपॉन 1, और इधर कितना होगा, 9 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 7। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28 + 9 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 7, विच इज 37 अपॉन क्या होगा, 7। एंड लास्ट -2 + 3 अपॉन क्या होगा, 8। उसके नीचे क्या डालेंगे, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 + 3 1 जा कितना होगा, 3, और नीचे 8 1 जा कितना होगा, 8। बड़े नंबर का साइन है माइनस, डिफरेंट टाइप के नंबर है तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर रहेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन क्वाइट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको आपके जो टॉपिक्स है उसमें ये पार्ट आपको आएगा, तो जस्ट अच्छे से आप करके रख देना ये वाला पार्ट, ठीक है। थैंक यू।